ऐसे अच्छा डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 फीट बाई 24 फीट में प्लान बना हुआ है, जो कि 330 स्क्वायर फीट में होगा। 37 गज में प्लान बना हुआ है। साउथ डिज़ाइन से आप 300 325 350 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है बट बहुत ही अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान की वेंटिलेशन डायमेंशंस, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 14 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 24 फीट की होगी। बहुत ही अच्छी प्लानिंग ये गई है। आप चाहें तो इसलिए 50 गज में इसलिए आप कुछ अपना घर बना पाएंगे, जो कि अपने इसलिए आप आइडिया वगैरह ले सकते हैं अपने घर के लिए। इस साइड अपना प्लांटेशन वगैरह कर पाएंगे, जो कि हमने प्लांटेशन एरिया वगैरह दिया। इस साइड आपको ये गेट मिलेगा, जो कि हमने टू साइड आयरन का गेट लगाया। स्टील लेस स्टील का गेट मिलेगा, जो कि हमने 5 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 8.5 फीट की होगी, जो कि आप इस साइड अपने बाइक वगैरह इसलिए पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपने सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इसलिए बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। ठीक स्टेयर्स के नीचे आप टू व्हीलर वगैरह इसलिए पार्क कर पाएंगे। ठीक इस साइड आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिया। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 8.5 फीट की होगी, जो कि इसमें फर्स्ट फ्लोर पर भी इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है। इसमें टोटल 3 बेडरूम का पोर्शन आएगा, जो कि आप चाहें तो फर्स्ट फ्लोर को रेंट आउट भी कर पाएंगे, जो कि हमने बाहर से सेपरेट स्टेयर दिया है। ठीक स्टेयर्स के सामने आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे 3.5 फीट का गेट होगा। इसी गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको ड्राइंग रूम मिलेगा। ड्राइंग रूम के एरिया की बात करें तो आपकी 12 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 8 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड अपने एल शेप सोफे वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को बिठा कर इसलिए अपने टीवी वगैरह दिखा पाएंगे, इसलिए अपना सर्व वगैरह कर पाएंगे। अब इस साइड से देखें तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा बेडरूम का। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। सामने में बात करें तो हमने सेरेमिक टाइल का यूज़ किया, आप इसलिए चाहे तो टाइल वगैरह लगा पाएंगे। अब ठीक इसी के अलावा देखें तो आपको ये डाइनिंग एरिया मिलेगा, जो कि हमने काफ़ी आपको डाइनिंग एरिया प्रोवाइड कराया, जिसमें इसलिए अपना 4 सीटर वगैरह डाइनिंग एरिया इसलिए आप लगा पाएंगे। और ठीक इसी के अलावा ये आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। इसमें हमने 2.5 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 6 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके स्लैब चूल्हे और कैबिनेट वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने कुकिंग वगैरह कर पाएंगे, इसलिए अपने फ्रिज वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। अब साइड से उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। इस साइड अपना विंडो वगैरह लगा पाएंगे, जिसमें इसलिए अपना एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। अब ठीक इसी का ये आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 8 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 11 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल हेड टीवी वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को बिठेल कर टीवी वगैरह दिखा पाएंगे। आप वॉल वगैरह पर वॉलपेपर वगैरह इसलिए यूज़ कर पाएंगे, जो कि इसी प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कर पाएंगे। अब साइड उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाए, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। बेडरूम में रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब साइड इसी से अटैच है आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलने वाला है, जिसमें हमने 2.25 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको टॉयलेट कंबाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके टॉयलेट सीट क्यूबिक शावर्स और वॉश बेसिन वगैरह इसलिए एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपने हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। आप चाहें तो टर्मनटिनो टाइल वगैरह का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें इसलिए अपना 7-7 फीट तक का टाइल लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब साइड उसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहें तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। अब इसी से अटैच एक आपको OTS मिलेगा। अब इस OTS के एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 2.5 फीट की इसकी लंबाई होगी, जिसके द्वारा इसी से विंडोज़ वगैरह अटैच होगा। इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 3.5 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।